आज मेरे पास एक बॉक्स आया और इस बॉक्स में था एक खतरनाक क्रैब। ये कोई नॉर्मल क्रैब नहीं है। ये सारी बातें हम वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे इस क्रैब के लिए एक सुंदर सा घर। क्रैब का घर बनाने के लिए मैंने लाया है 2 फीट का एक फिश टैंक। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ क्रैब के लिए एक बास्किंग एरिया, ताकि मेरा क्रैब पानी के बाहर आके बैठ सके। स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। राइट साइड में मैंने बनाया है क्रैब के लिए एक एव और ऊपर प्लांट रखने के लिए जगह। ये ग्लास अच्छा नहीं दिख रहा था और मुझे कुछ इनोवेटिव करना था, इसलिए मैंने स्टोन्स चिपकाना शुरू कर दिया। ये स्टोन्स स्टिक होने के बाद बिल्कुल ही नेचुरल और ब्यूटीफुल सा लुक देंगे इस टैंक में। सारे स्टोन्स स्टिक हो चुके हैं और जैसा सोचा था मैंने उससे भी बेटर लुक आ रहा है। इसके बाद मैंने लगाया व्हाइट बैकग्राउंड। पर्सनली बिना बैकग्राउंड के टैंक मुझे अच्छे नहीं दिखते। स्टोन स्टिक करते टाइम सिलिकॉन ग्लू टैंक के पीछे वाले ग्लास में लग गया था, उसे मैंने रेजर ब्लेड की हेल्प से रिमूव कर दिया। फिर मैंने लगाई अच्छी सी लाइट। उसके बाद आते हैं हम हमारे मेन काम पर। ये है कोकोपीट। इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस टैंक में। इस कोकोपीट को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। इसके लिए मैंने इसे 2 बार वॉश किया 2 घंटों के गैप में। अभी मैं रेडी कर रहा हूँ उस टैंक का मसाला, यानी सब्स्ट्रेट। सबसे पहले मैंने लाया है रिवर सॉइल, गार्डन सॉइल भी यूज कर सकते हैं। सेकंड है ये पैकेट, इसमें कंपोस्ट, फर्टिलाइजर वगैरह सभी मिक्स्ड होता है, नर्सरी में इजीली मिल जाएगा। थर्ड है कोकोपीट, जो कि पानी को लंबे टाइम के लिए स्टोर करता है। लास्ट आई एम एडिंग इज फाइन सैंड। फिर मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया। सब्सट्रेट को ऐड करने से पहले मैंने यूज किया है एक्टिवेटेड कार्बन। इसका अल्टरनेटिव है चारकोल। ये पानी में से हैवी मटेरियल को निकालता है और वाटर को स्मेली होने से बचाता है। जो सब्सट्रेट हमने रेडी किया था वो ऐड कर रहा हूँ इस टैंक में। मैंने लाया है कुछ इंडोर प्लांट्स, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे इस टैंक में। एक एक करके सभी प्लांट्स को मैंने प्लेस करना शुरू कर दिया। अभी मैं रेडी कर रहा हूँ अंडरवाटर सब्सट्रेट। मैंने यूज किया है रिवर सॉइल, उसके ऊपर मैंने यूज किया है शुगर साइज सैंड। एक छोटा सा फिल्टर वाटर में अच्छा सा फ्लो बनाने के लिए। बहुत ज्यादा वेट करने के बाद फाइनली बारी आ गई है पानी भरने की। वाटर फिल हो चुका है। अभी ऐड करना है कुछ एक्वेटिक प्लांट। उसके लिए मैंने पुरानी गप्पी फिश टैंक में से एक एनीबियस निकाल लिया। गप्पी फिश को कोई एतराज नहीं था और इस टैंक में मैंने प्लेस कर दिया। और कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स लिए मेरे बेटा फिश टैंक में से। बेटा फिश को भी कोई एतराज नहीं था। फॉर मोर डेकोरेशन मैंने कुछ ड्रिप फूड चोरी किए मेरे बेटा फिश टैंक में से। सारी चीजें परफेक्टली सेटअप हो चुकी है। अभी हमने वेट करना है कुछ दिनों के लिए, तब तक ये टैंक साइकिल नहीं होता। यहाँ पर 12 डेज हो चुके हैं। टैंक टोटली साइकिल्ड हो चुका है। इसमें मैंने ऐड किए थे कुछ मनी प्लांट्स और एक आर्चर फिश। उतने में ही फाइनली हमारा क्रैब आ चुका है फ्रॉम बबल्स अंडर वाटर। इनके पास सभी इंडियन नेटिव फिशेस अवेलेबल है और सभी 100% लीगल है टू कीप एज अ पेट। अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो बेझिझक कीजिए। इनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो चेक कर लीजिए। मैं इसे एक्लिमेट करने की तैयारी कर रहा था, अपने में समहाउ ये बाहर आ गया। जैसे तैसे करके मैंने इसे इस टैंक में रिलीज कर दिया। ये है ट्री क्रैब, मैंग्रोव में पाए जाते हैं। इसका नाम है रेड क्लॉ लेवेंडर क्रैब। ये ब्रैकिश वाटर क्रैब होते हैं, मतलब सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स वाला पानी। ये फ्रेश वाटर में इजिली सर्वाइव कर सकते हैं, बट इन फ्यूचर मैं इनके लिए ब्रैकिश वाटर टैंक सेटअप करूंगा पक्का। 2 दिन के बाद ये क्रैब टैंक में सेट हो चुका है, फीडिंग भी अच्छे से ले रहा है और मेरी आर्चर फिश के साथ पीसफुली भी रह रहा है। ज्यादातर मैं इसे झींगे खिला रहा हूँ और ये क्रैब बहुत ही क्यूट लगा मुझे। अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। बाय द वे एक चीज तो बताना भूल ही गया, ये क्रैब बहुत ही फास्ट होते हैं। सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू डू प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।